यार आपने नीरज चोपड़ा को जीतने है, मेरा एक ही सवाल होता है कि मैंने अर्शन नदीम को जीतना है। नदीम से साइन करवा ली है 92.97। मैंने खुद ही फॉल थ्रो की और सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी थी और आखिरी थ्रो भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ी थ्रो थी 91.79। आप एथलेटिक्स में आ जाएं। कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है, कौन सा इलाका जिधर अपना इंतजाम। रब को लो दिल जानी मंगना जरूर, हाल न जाने मेरा दुनिया ने मारे, ओ मेरी जिंद मेरे दिल पाकिस्तान। अगर एक नेशनल एंथम के साथ अगर झंडा हमारा ऊपर गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अर्शद नदीम साहब की वजह से गया है। Who's gonna sing? कौन आप गाएंगे, क्या गाएंगे? पाकिस्तानर्स का डेथ विश। मैं और मेरे आयरन, मैं और मेरे आयरन, काश मैं बन सकता एक और गाना, नाम होता उसका मैं और मेरे राइवल। ये गाना बॉयज के लिए है, ब्लूज के लिए नहीं। इसने तो रैप को नजम बना दिया। वाह वाह। ऐ वतन पाक वतन, जो भी नजर में वो चली है निकली है, ये मेरी असली मोनोपोली है, रख ली है ये बात मैंने लिख के रख ली है कि वो ऐसे ड्रिंक्स, इसमें कोई शक नहीं है। आई डू इट फॉर माय टीम, जितने मेरे साथ खड़े, पॉकेट फुल ऑफ ड्रीम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान 2.97। पहली थ्रो जो है मैंने खुद ही फॉल थ्रो की और सेकंड थ्रो पे अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी थी और आखिरी थ्रो भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ी थ्रो थी 91.79। अर्शद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, और वालदा आपके साथ है, आपके कोच इधर हैं, सलमान भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं। ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्शद भाई की जिंदगी में, मैं ख्याल है इनके लिए भी भरपूर तालियां होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को बहुत इज्जत दी है और ये आप सब की दुआओं का नतीजा है, मेरी मेहनत का, मेरे कोच साहब की मेहनत का। अल्लाह ताला ने हमें, पाकिस्तान का झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान चल रहा था, किस हीरो की वजह से? अर्शद नदीम साहब की वजह से। नेक्स्ट आपका टूर्नामेंट है जिसके लिए हम सारे आंखें लगा के बैठ जाएं, ये बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान की कौम का ये प्यार मोहब्बत देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। आगे 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप आ रही है, ये टोक्यो में हो रही है, जापान। नीरज ने ट्राई की और उसके बाद उसके सारे जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, मुझे तो लगता है आपका रो भी बड़ा था पहली थ्रो के बाद। नहीं, देखा जाए कि मैंने अक्सर कहा है कि बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार आपने नीरज चोपड़ा को जीतना है, मेरा एक ही सवाल होता है कि मैंने अर्शद नदीम को जीतना है।
तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अर्शद दीम को जीतता हूँ तो अल्लाह ताला हमें फतह देता है। तो वही हुआ कि जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया गोल्ड। एथलेटिक्स का आगाज किया 2012 से स्कूल लेवल से। अगर देखा जाए तो मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट भी खेली, मेरी माशाल्लाह क्रिकेट की बड़ी अच्छी गेम थी, एज ए बॉलर था मैं, और फुटबॉल की बड़ी अच्छी गेम थी एज ए फुटबैक था, और मैंने कबड्डी भी खेली हुई है, बैडमिंटन भी खेली हुई है, एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैम्बर थ्रो, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, 100-200, और रेले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेस भागी हुई है। बेस्ट एथलीट रहा हूँ 100 डिवीजन लेवल पे। क्या बात है सुन रहे हो नौजवानों, इतनी मेहनत है तो आप क्यों नहीं आप एथलेटिक्स में आ जाएं, तो आप आगे निकल सकते हैं। तो इसी तरह फिर मैंने 2012 से गाँव स्टार्ट किया स्कूल लेवल पे। मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, मुझे कहा कि यार आपकी माशाल्लाह फिजीक अच्छी है, हाइट अच्छी है, तो आप सारी गेम छोड़ दें, सिर्फ एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो जो इवेंट है ये स्टार्ट कर दें। तो मैंने 2012 से स्टार्ट किया और 2015 तक मैंने ऑल पंजाब विन किया, और उस वक़्त मुझे कोई इतना ख़ास ट्रेनिंग के बारे में इलम नहीं था। जब ग्राउंड में आना, एक दो चक्कर लगाने, स्ट्रेचिंग करनी, जैवलिन पकड़ लेता था। वाह, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी मैं स्कूल लेवल पे भी मेरे माशाल्लाह रिकॉर्ड अभी भी कायम है। और क्या बात है, कोई झंडा लहराते रहना सबसे ऊंचा। अरशद नदीम से साइन करवा ली है और झंडे के ऊपर भी साइन करवा ली है। ओए होए होए होए, सीधा कर जरा, क्या बात है। 92.97 भाई को अरशद नदीम ने जो है ना सिग्नेचर और 92.97 मीटर सही नहीं लिखा। अब ये एक रुपए का नोट ये कितने का हो जाए, नहीं बिकेगा 2 करोड़ का, ये पाकिस्तान है, कलाकार हमारे पास मौजूद नहीं बिकेगा। फिलहाल ये 2 करोड़ मेरे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये तो बचेगा गली के नाते पे,
से बचेगा, ये पछता रहेगा जब पड़ेगा रेड और लॉन्गर डिफॉल्टर। हम उल्लू है रातें भी जागेंगे, हम वायर्स है बेटा हम, तू रियल है तो हम भी। Bars in the nightmare, she can't tell me that I'm a beast by short, he's size. He wants shit, but she's like, no, but never do it for the cloud, man. She's fine. Bars in your body, in your mind, 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 in हम शिकल को कम अकल पहले फ्लो पकड़ तू छोटे भरकूर कलमकार ये बात मेरे अलमनाक सरसार बात ब्रो मैं करता दिल की इधर सुने तेरी ये रियल है चील चौक से ये साउंड बजे सीधा कराची से कैलगरी जो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटिंग माय सिटी रियल रॉ एंड ऑर्गेनिक आई कीप इट 100 वो मेरे जैसे नहीं है वो मेरे जैसे बने सीन गरम है गरजने का टाइम नहीं है सीधा बरसते रुकने वाला कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है कौन सा इलाका जिधर अपना इंतजाम भी हुई हुआ वरना सभी एक सीन्स कुछ ऐसे रियल टॉक सड़कों पे काटी रातें अपनी संगत आज भी बैठे किसी असली दोस्त और नकलियों पे लगे नाके नुक्स को ढूंढने मुझ में आके पॉलिटिक्स करे फिर जाके क्योंकि ये रियल है मैं देसी होके वेस्ट भी ऑर्गेनिक होके बेस्ट भी है ढूंढे मेरी रेसिपी अपने पैरों पे खड़ा किसी भी लेवल का सहारा नहीं कोई भी ऐसा शहर नहीं जहां ठंडा आता बिल्लियारियों या बॉस्टन के बाद